इमरान खान साहब एक बहुत बड़े प्ले बॉय थे एंड एंड दिंगज गोरा वाई राइटर्स रिटन अबाउट हिम हैज़ कॉज इज वेल्थ वो सिडनी के मैच के बारे में कहानी है कि जी वो मैच खेल रहे थे खातून उनको पसंद आ गई एंड एंड ही जस्ट मतलब वो ब्रेक के अंदर ही खातून के साथ कहीं चले गए वेरी अनप्रोफेषनल काइंड ऑफ एटीट्यूड उसमें साउंड करता तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की ये जो सारी इमेज बिल्ड हुई हुई है ये सही बिल्ड हुई हुई है नहीं बिल्कुल गलत है मैं तो रहता ही इमरान के साथ था उसके ड्रेकआउट एवन्यू पर जब आई लिव इन ऑरेज तो मैं जब मिड वीक या कुछ भी जिस दिन फ्री होता तो मैं जो इसके इसके फ्लैट में रहता था येस ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स लॉट्स ऑफ गर्ल फ्रेंड्स लॉट्स ऑफ मेन फ्रेंड्स बट इट डजेंट मीन के टू बी टू बीटेड ब्लंटली ही वो स्लीपिंग अराउंड विद एवरीबडी नोज नॉनसेंस इसकी एक बड़ी अच्छी गर्ल फ्रेंड होती थी एमा साजेंट इसकी नीली मैरिड है फिर वो नहीं बनाई बात आई थिंक फैमिली को अपोज़ किया उस वक़्त एंड बट इसका वट इज़ ए प्ले बॉय प्ले बॉय क्या है कि अगर लड़कियों को जानता है तो प्ले बॉय बन गया सारी दुनिया जानती है लड़कियों को यह क्या बात होगी वो प्ले बॉय हो गया तो ये हमारा ही होता है कि प्ले बॉय और इंग्लैंड में भी वो बड़ा बना देते हैं इसको हाइप दे देते हैं क्योंकि उन्हें ख़बार टैबलेट प्रेस ना टैबलेट तो प्रेस, प्रेस हाँ, से सारा काम हाँ, किया है तो यही होती है चीज़ तो बट उसके अंदर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि क्रिकेट छोड़ के इधर चला गया आई आई हैव नोन वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड वन ऑफ़ द मोस्ट इन्फ्लुशल गर्ल्स फ्राम टॉप फैमिलीज़ इन द वर्ल्ड ये बुझेने नेवर इस तरह का अनकूथ और ये जो कई दफ़ा टैबलेट्स लिख देते हैं

एंड uh, इसी तरह नवाज शरीफ भी बड़ी चीज़ है ये भी मैं आपको बता दूँगा अब हम उनकी तरफ आएंगे अभी मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ़ योर्स आई थिंक दिस वुड बी 15 ईयर्स हो के आसपास होगा आपने दिया उसमें आपने बताया कि इमरान खान यूज़ टू तो कॉल यू पीजे पार्टी उसके पीछे क्या सीन है <laughs> अच्छा ये सशक्स से आए इनकी सशक्स की टीम मैं खेल रहा था बोल्टन में एजिटन में तो ये आया तो मैंने कहा आ तू शाम को क्या कर रहा है मेरी तरफ़ आ तो कहता है मैं मैं लड़कों लड़कों को भी लेके आ जाऊँगा तो वो ये ले आया वो एक फ़ास्ट बॉलर होता था गाथ लरू ये उसको ले आ गया लेके आ गया और एक श्रीलंकन भी होता था मैं इसका नाम बोल रहा हूँ अभी उधर शशक से खेलता था तो ये उनको ले आ गया तो मुझे कहता पार्टी किधर है मैंने कहा क्या मतलब पार्टी किधर है तुम्हें मैं बाहर ले जाता तुम्हें तो बोल्टन दिखाता हूँ तुम तो पार्टी करो उधर और कौन सी पार्टी तो इसने मेरा उस दिन से रिकॉर्ड लगाया पीछे पार्टी

तो एक ही टीवी होता था पाकिस्तान टेलीविज़न तो मैं आउट होकर आया तो दो कमेंटेटर्स होते थे एक तारिक रहीम और एक रहमान तो इन्होंने मुझे ऊपर बुला ली वो ठेला सब पी टी वी लगाती थी ऊपर तो मैं ऊपर चला गया बड़े सवाल जवाब किए दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी

एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट के विल्स कप के फाइनल में आई डिड कामेंट्री विद उमर कुरेशी जो कि क्रिकेटिंग है वेरी फॉर्चुनेट एंड उनके साथ भी क्रिकेट कर कॉमेंट्री करके ही इनक्रेज टू मी एज अ रॉ नोविस इन कॉमेंट्री एंड आई थिंक दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट के बाद इंग्लैंड में एक चैनल होता था टी वी एजिया तो आई वॉज हेडिंग द स्पोर्ट साइड देयर स्पोर्ट्स इंटरव्यूज दुनिया के करने फिर वो पहला इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हमने दिखाया उधर इंग्लैंड में जी स्काई में एंड आई वाज स्टिल प्लेइंग क्रिकेट का यू नो कंट्री क्रिकेट एंड ऑल तो लेकिन जब फ्री होता था टेलीविज़न एंड फिर उसके बाद वो टी बिक गया वो जी टी आज वो बहुत बड़ा टी बन गया एंड वहाँ बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ Like, अमिताभ बच्चन अजिताभ बच्चन दोनों भाई और पाकिस्तान से थे ये, ताहर खान थे जिनका न्यूज वो थे पार्टनर इसके अंदर एंड देर अदर इट फैसल शेरजान था एकदा जी जी, uh, था एंड इम्पोर्टेंट रोल

तो पाकिस्तानी चैनल के जो शेयर होल्डर्स थे जावेद पाशा वो 67 परसेंट और ए आर वाई वॉज थर्टी परसेंट तो हमारे पास पैसे खत्म हो गए आई द जनरल मैनेजर देयर एंड फिर उसके बाद ए आर वाई ने कम्प्लीटली लिया, लिया टेक फिर इसको री ब्रांड किया एज ए आर वाई तो अब्दुलरजाक याकूब उनका, उनका, उनका जो नाम था अपना अपना नाम, नाम, नाम था लेकिन हम कहते थे ऑलवेज रिमेम्बरिंग भी इस तरह था तो फिर सलमान इकबाल उनके बेटे जो उसको रन करते थे वो और हाजी इकबाल और हाजी साहब बड़े तो ये एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया कि हमने इसका नाम रख दिया ए आर वाई महिला जी बड़ा अच्छा है वेरी गुड नेम तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड इट वॉज ए वाई डिजिटल एंड दैट्स हाउ इट केम एंड आई वॉज रनिंग इट एट दैट टाइम एंड बल्कि पहली जो ख़बर थी लाइव जब पहले हम बारह घंटे थे mm. उसके बाद जब चौबीस घंटे गए तो पहली लाइव खबर मैंने पढ़ी थी Uh, from um, east uh, london um, our studio that's is like there. a history in the making at that point right? yes. because पी न्यूज़ ख़त्म हो रहा है मतलब एक नया दौर आ रहा है yeah. नया न्यूज़ मीडिया आ रहा है नए लोग बनेंगे यू ऑबली वन ऑफ़ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज़ टू कम थ्रू दैट आप इंग्लैंड में हमारे सारे सियासतदान मेजरली इंग्लैंड में उन टाइम पीरियड के अंदर तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा रोल नज़र आता है नवाज़ शरीफ साहब हैं बेनज़ीर साहिबा हैं पहले तो हम बीबी -बी के बारे में बात करते हैं आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मोहतरमा के मोहम्माफुल रिलेशनशिप yes, uh, um, वो एक ऐसी इंसान थी जो कि सुनती थी और सुनाती थी तो मैं एक कई उनके इंटरव्यूज़ के वहाँ फिर शाम को उनके घर भी जाना उन्होंने भी आना एंड इट वाज इट वाज अ ग्रेट थिंग एंड बिकॉज बीबी को पहले मैंने देखा था जब ये वाज यंगस्टर तो उनके वालिद के ऊपर जो केसेस थे hmm. तो ये आके ठहरा करती थी नवाब सादिक हुसैन क्रैशी के घर ये और उनकी वालदा तो वहां भी बात एक शायद चलने शुरू हो गई शायद जो नवाब साहब के बड़े बेटे थे आशिक कुरेशी शायद उनके साथ हो जाए बट इट हाँ, हाँ, बहुत सारे थे फैसल साले याद का फैसल नाम भी था, और बहुत सारे हाँ, नाम थे गलत नहीं हूँ तो मखदूम जो थे वो जमील जमान थे छोटे भाई थे एक और थे कमर खान बॉबी कहते हैं Uh, वो था कुछ उसके अंदर समथिंग बट मेनली आशिक कुरैशी बट नवाब साहब ने बैक ऑफ कर दिया एंड देन लिटर जरदारी साहब के साथ शादी hmm. हो गई वो भी बट शी वॉज अ वंडरफुल कैरेक्टर देन इनकी एक फ्रेंड भी होती थी विक्टोरिया स्कोफील्ड तो बस उसके बाद फिर जब ये लंडन में इन एग्जाइल में बहुत मुलाकातें होती थी एंड आई वॉज ऑलवेज देर